ये आम आदमी पार्टी के सामने पहला मौका था, जो सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम हार गए चुनाव, हम कोई चुनाव नहीं हार गए। हम राजौरी गार्डन वाला चुनाव जरूर हारे क्योंकि वो सीट हमारे पास थी, लेकिन दिल्ली में तो कांग्रेस और भाजपा को फिर से सोचना चाहिए कि जो सीटें मुझे मिली हैं वो मेरे पास नहीं थी, वो तो मैंने कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों लोगों की झोली से झटका है। इसलिए ये हमारे अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं रहे, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे लिए उत्साह की भी बात है कि हम आज दिल्ली में नगर निगम में विपक्ष के रूप में पहली बार आए हैं, और कम से कम इस बार हम नगर निगम के चुनाव, जो नगर निगम के कार्यकाल होता है, जो नगर निगम में कार्य करते हैं सभासद, उन पर नकेल तो कर सकेंगे, उनसे सवाल तो पूछ सकेंगे कि जो नगर निगम में पैसा आता है उसमें किस तरीके से धांधली हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, हमारे संतोष है कि हम अच्छी और विपक्ष में पहली बार हम चुनाव वहां नहीं, तो गोपाल राय हाय तबा क्यों मचा रहे हैं, वो तो सारा ठीक रहा, ईवीएम के सर फोड़ रहे हैं, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि ईवीएम में एक बार फिर खेल किया गया। कुछ भिंड और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से जो पता चला कि कुछ ईवीएम में जिस तरीके से राजस्थान में वहां चुनाव आयुक्त को हटाया गया, डीएम को क्या सुने थे आप लोगों के माध्यम से, तो कुछ शंकाएं जरूर पैदा होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं चाहता हूं लोकतंत्र में अगर कोई शक की गुंजाइश है तो नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार को मिलकर अगर भारत देश में जो विपक्ष की पार्टियां हैं अगर वो ऐसी मांग करती हैं तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं होना चाहिए।